सभी किसान साथियों का मेरा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद बिश्नोई आज फिर एक नए प्रोडक्ट की वीडियो लेके आया हूँ, जो है ऑक्सम, जिसके अंदर दो साल्ट पाए जाते हैं, कुजाल फॉप इथाइल 4% और ऑक्सीफ्लोरोबेन 6%। इसका अपने जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बोतल के शीशी के ऊपर प्याज की फ़ोटो बनी हुई है। जी हाँ, ये प्याज का एक खरपतवार नाशक है, जिसको प्याज के अंदर चौड़ी एवं संकड़ी पत्ती दोनों के लिए आप डाल सकते हो, जिसमें जो कुजाल फोप है 4%, ये संकड़ी पत्ती का हर्बिसाइड है, और ऑक्सीफ्लोरोबेन 6% है, जो एक है चौड़ी पत्ती का खरपतवार नाशक है, और ये मैन्युफैक्चरिंग बाय दानू का और ऑक्सम आईएल कंपनी इसको मार्केट के अंदर रिटेल करती है। 200 ml सीसी का प्राइस है इसका 500 रुपये, और ये प्याज के अंदर आप डाल सकते हो। जब प्याज 15 से 20 दिन का हो जाए, प्याज की रुपाई के 15 से 20 दिन के बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हो, जिसकी डोज रहेगी 30 से 35 ml टंकी की। और अगर इसी को आप नर्सरी के अंदर डालना चाहो तो आप इसको डाल सकते हो 10 ml, 15 ml, 20 ml। जैसे अगर नर्सरी छोटी है तो आप 10 ml डालो, अगर नर्सरी 20-25 दिन की है तो आप इसको 20 ml तक यूज़ कर सकते हो। और ये एक कॉम्बो प्रोडक्ट है, जो दो कंपनियों का आता है, जो चौड़ी और संकड़ी पत्ती का दोनों का एक साथ है, एक आईएल का और एक दानुका का। दानुका का आता है ऑक्सम के नाम से, नहीं दानुका का, सॉरी, वन किल के नाम से आता है यह प्रोडक्ट, दानुका का वन किल के नाम से आता है और आईएल का ऑक्सम के नाम। इस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो प्याज की किसी भी फसल के अंदर, प्याज के अंदर चौड़ी संकड़ी पत्ती खरपतवार नाशक के रूप में, और जीरे के अंदर भी इस किसान साथी डाल सकते हैं इसको, लेकिन जीरे के अंदर ये अकेला साल्ट आता है, इसमें ऑक्सीफ्लोरोबेन खाली वही यूज करें, ये कुजाल फोप नहीं यूज कर सकते। धन्यवाद, बने रहे मेरे वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।